अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी को उनके पद से हटा दिया गया है। मंगलवार को हुई वोटिंग में रूलिंग पार्टी डेमोक्रेटिक के 208 सांसदों ने मैकार्थी को पद से हटाने के लिए वोटिंग की। रिपब्लिकन पार्टी के 8 सांसदों ने भी स्पीकर के खिलाफ में वोट किया। इससे मैकार्थी के विरोध में कुल 216 वोट पड़े। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के बाकी 210 सांसदों ने मैकार्थी के पक्ष में वोट किया। अमेरिका के इतिहास में ये पहली दफा हुआ है जब सत्ता में मौजूद पार्टी ने हाउस स्पीकर के खिलाफ में वोटिंग की है, उन्हें पद से हटा दिया है। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मैकार्थी ने कहा कि वो दोबारा पद के लिए खड़े नहीं होंगे।